हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज होली है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है मर्चेंट नेवी की तरफ से। टोटल 7 तरह के पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, सैलरी अच्छी खासी रहेगी। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो डिटेल जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इलिजिबल रहेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि मर्चेंट नेवी में न्यू रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 4000 पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। पहले ही बताया कि टोटल 7 तरह का पोस्ट है आपका, तो किस पोस्ट के लिए कितना सीट है, क्या क्वालिफिकेशन, एज की लिमिट और सैलरी क्या मिलेगी। इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छा मिलता है, पोस्ट वाइज आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आगे जरूर वॉच करना। फ्रेंड्स, देखिए, पहला पोस्ट है आपका सीमैन का। इसके लिए जो सबसे ज्यादा नंबर का सीट है 1432 यानी 1432 सीट्स है। 10th पास आउट कैंडिडेट इलिजिबल है। साथ ही साथ जो एज का लिमिट है ना, 17.5 वर्ष से 25 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल होंगे। और इसकी जो सैलरी है 38,000 रुपए से शुरुआत होती है और बाद में 55,000 हो जाती है। सेकेंड हमारा जो पोस्ट है मेस बॉय का है। टोटल 922 सीट है। इसके लिए भी 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। उम्र की बात करें तो 17.5 वर्ष से 27 वर्ष और इसकी जो सैलरी है फ्रेंड्स 40,000 से शुरुआत होती है और बाद में 60,000 हो जाती है। हमारा तीसरा नंबर का पोस्ट है डेक रेटिंग का। इसके लिए आपका 721 पोस्ट है। 12th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे और 17.5 वर्ष से 25 वर्ष के कैंडिडेट। डेक रेटिंग की सैलरी क्या मिलेगी, ये देखिए 50,000 से शुरुआत है और बाद में 85,000 पर महीने की सैलरी रहेगी। फोर्थ नंबर का जो सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए है। टोटल आपका 408 सीट है। 10वीं पास, साथ ही साथ ITI होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है तो इलेक्ट्रीशियन से ITI आपके पास डिग्री होना चाहिए। 17.5 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल है और इलेक्ट्रीशियन की जो सैलरी है 60,000 से शुरुआती दौर में है और बाद में बढ़ने के बाद आपका 90,000 रुपया हो जाता है। हमारी पांचवी पोस्ट है इंजन रेटिंग की। इसके लिए टोटल पोस्ट 236 पोस्ट रहेगा। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। 17.5 वर्ष से 25 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इंजन रेटिंग की सैलरी क्या है, ये देखिए 40,000 रुपए से शुरुआत होती है, बाद में 60,000 तक मिलता है। फिर आता है आपका कुक का पोस्ट, 203 सीट है। इसके लिए भी 10वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे, 17.5 वर्ष से 25 वर्ष के, और सैलरी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40,000 से 60,000 रहेगा। लास्ट हमारा पोस्ट है वेल्डर या हेल्पर का, 78 सीट है। 10th प्लस ITI होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से। और फ्रेंड्स, 17.5 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और ये देखिए, वेल्डर और हेल्पर के लिए भी आपको सैलरी अच्छी मिलती है, 50,000 से 85,000, मतलब 50,000 से शुरुआत होगी और बाद में 85,000 रुपीज पर मंथ की। तो ये तो मैंने बेसिक आपको बताया कि कौन कौन सा पोस्ट है, कितना सीट है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, उसके बाद आपको सैलरी तक बता दिया। तो ये सैलरी पाने के लिए आपको क्या सब सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, आइए बता देती हूँ। अप्लाई करने का जो तिथि है, ये ऑलरेडी फॉर्म स्टार्टेड है 11 मार्च से और लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल रहेगा। तो 30 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना है। अगर आप इच्छुक हो अप्लाई करने के लिए, तो जितना जल्दी हो, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फीस सभी कैंडिडेट से 100 रुपया लिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम का डेट भी जो नोटिफिकेशन है उसमें बता दिया गया कि मई 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
तो फ्रेंड्स, तीन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। पहले स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम, मतलब कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन आपका डीवी प्लस मेडिकल एक ही टाइम में हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते चलते देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग, सो दिस इज योर प्लस पॉइंट कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो अगर किसी मतलब कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन में आपको डाउट है कि ये सही है या गलत है, तो आप तुक्का लगा के आ सकते हो। चलिए अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड लास्टली आपका मैथ प्लस रीजनिंग के कंबाइन करके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल डिटेल है मर्चेंट नेवी की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आई होप आप इसका सारा डिटेल समझ गए होंगे। और अगर अब भी कोई डाउट क्वेरी है, मन में कंफ्यूजन है, कमेंट करिए, वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.